नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैंने लाइव डेमो दिखाऊंगा आप लोगों को, बाइसेल लेवल एंड चार्ट का सेटअप कैसे काम करता है। निफ्टी बैंक निफ्टी मेनली दिखाऊंगा और संभव होगा तो इक्विटी में दिखाऊंगा। तो देखते हैं, मैंने कुछ अपडेट कर लिया, उसके बाद फाइनल अपडेट भी कर लूँगा, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगा अभी क्या करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है। मैंने वन टाइम अपडेट कर लिया, उसके बाद करेंट मार्केट प्राइस फिर से देखना है। नाइन थ्री एट फोर करेंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है, 9286 फ्यूचर का, निफ्टी फ्यूचर का 9286 चल रहा है, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का चल रहा है, चल रहा है 20,768, 20,768। तो मार्केट आप देख रहा है, आप लोग गैप अप ओपन हुआ है, ऐसा ही होने वाला था क्योंकि अभी मार्केट कुछ ऊपर जाने का ही प्रोबेबिलिटी है। एंड कितना दूर तक जाना है, जा सकता है, कितना दूर तक जाएगा, वो भी मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस में और बहुत सारा जगह में मैंने डिस्कस किया हूँ। मिनट, मेरा नेट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, इसका करेंट प्राइस देख रहा है, इधर करेंट प्राइस चल रहा है कितना, 9293, इधर 9293, और इधर चल रहा है बैंक निफ्टी में चल रहा है, देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में थोड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, होपफुली आप लोग को प्रॉफिट दिखा पाऊंगा। मैं लेट हो गया हूँ, ऑर्डर जी पर लेट हो सक होता हूँ, तो ठीक है, मैंने सुबह सुबह स्टार्ट करने का भी कोशिश करता हूँ, तो देखना पड़ेगा, तो तब भी आप लोग को लेवल मिल जाएगा। बैंक निफ्टी चल रहा है 20,810, बैंक निफ्टी चल रहा है, सॉरी 20,810, बैंक निफ्टी 20,810। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको बैठा दिया, इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करके सब जगह बैठाना है, कॉपी करके। अरे यार, कॉपी करके इस जगह बैठा दिया, उसके बाद इससे कॉपी करके इधर बैठाया, उसके बाद ये कॉपी करके इधर बैठाया,
बाद ये कॉपी करके इधर अफो कॉपी करके इधर बैठा दिया, हो गया ना। तो इसको सेव कर लेता है एक बार। तो देखते हैं कौन सा बाइसेल लेवल, मैंने अभी बहुत सारा बाइसेल लेवल्स है वो मैंने कंपेयर कर लूँगा, देख लूँगा, तो उसके बाद ही आप लोग को दिखाऊँगा कौन सा फाइनल बोलूँगा कि इस लेवल पे बाई करना है या सेल करना है। तो उसी का लेवल में आप लोग को वो लेवल आएगा, तो आप लोग ऑब्जर्व कर सकता है, देख सकता है कि ये लेवल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसको इस्तेमाल करके मैंने ट्रेनिंग देते हैं, आप लोग ट्रेनिंग का इंतजाम किया हूँ, आप लोग को इसमें ये कैलकुलेशन सिखाया जाएगा, गन एंगल, वोलेटिलिटी बेस्ड गन, फिबोनाची, बाइसेल लेवल्स और टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट सेटअप, स्ट्रेटजीज, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट सेटअप, ऑप्शन चेन एनालिसिस, और बहुत ही कम कीमत में मैंने रखा हूँ। तो एनी हो बाद में बात करेंगे। इसमें देखिए बाई का लेवल निफ्टी का दिखा रहा है 9324, निफ्टी इंडेक्स का, और बैंक निफ्टी का 20,911, और 9316 इसका फ्यूचर का, और 21,075। ठीक है, ये बाई का लेवल दिखा रहा है। और सेल का लेवल दिख रहा है 9284 के नीचे, 9284 के नीचे, और 20,784 के नीचे, ये 9273 के नीचे, 21,780 के नीचे। इसके बाद ये बाई सेल लेवल 1 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे से माना। ये 9304 के ऊपर जाएगा या 9384 के ऊपर जाएगा, सॉरी 9304 के ऊपर, ये 21,848, 9295 21,188। ठीक है, तो इसके बाद एक्चुअली ये सब लेवल देख के उसके बाद एक्चुअली जो लेवल में काम करता हूँ उसको मैंने देखता हूँ, क्योंकि ये एक बार देख लेते हैं, इसके साथ एक बार कंपैरिजन कर लेता हूँ। तो इसमें क्या होता है, कॉन्फर्मेशन आता है और कुछ नहीं। इसमें देखिए, इसमें इसका गन एंगल क्या दिखा रहा है, 9305, 20,828, 9298, 20,777। ये लेवल पे भी काम करना कर सकता है, 9281, 20,992, कोई भी लेवल पे काम कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने जो लेवल प्रेफर करता हूँ ये 9297, मतलब ये अपर सर्किट में है, निफ्टी अपर ही जाएगा लगता है, तो देखना पड़ेगा। इसके बाद सभी लेवल एक बार देख लेता है। इसमें 9345 दिखा रहा है, इधर 9272 दिखा रहा है, ठीक है, 9385, 9374। इसके बाद भी लेवल्स देखना पड़ेगा, 9338, 20,995, 9270, 16, और इधर 9357 थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। ठीक है, देख लिया इधर। अभी जो एक्चुअली जो वोलेटिलिटी वेस्टिंग है उसको देखना देखना है वो क्या दिखा रहा है। मार्केट घूम जा रहा है तो घूमने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हम लोग नेक्स्ट लेवल देखेंगे, या फिर से अपडेट क्लोजिंग प्राइस बैठा के देखेंगे, या हाई लो चेंज हो जाएगा तो हाई लो को भी चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है इतना जल्दी हाई लो चेंज नहीं होगा, अभी मार्केट से मतलब बीच में ही रेंज में ही मूव कर रहा है, वो रेंज से थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट स्कैल्पिंग कर लेना है। तो देखिए इधर फिबोनाची का जो बाय सेल लेवल है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 9345 थोड़ा सा दूर दिखाता है, इसीलिए ये 9240। ठीक है, लेकिन काम बहुत ही अच्छा करता है। और इधर दिखा रहा है 9297 के, मतलब भी इसका टाइम हो गया है, देखना पड़ेगा फिर से तो करंट मार्केट प्राइस का क्या पोजीशन है, उसके बाद ही देख के आप लोग को फाइनल बताऊंगा। इधर जो दिखा रहा है 9307, तो 9307
20,852। एक बार देख लेते हैं चार्ट का सेटअप, उसके बाद ही अब लोग को बोलूँगा कि हाँ इस लेवल पे बाई करना है, इस लेवल पे सेल करना है, बाई सेल लेवल यह है। तब आप लोग उसके बाद आप लोग देख सकता है कैसे मैच किया सकता है, आज कैसे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरा फाइल भी बहुत ही बड़ा बड़ा चौड़ा फाइल बना लिया। इधर 9310 दिखा रहा है, 9255 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 9332। तो हम लोग चार्ट का सेटअप भी एक बार देख लेता है, चार्ट क्या बोल रहा है। तो बैंक नेट में बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों, देखना है 9274 में ये आ गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नीचे खींच के ऊपर जाके करना पड़ता, इसीलिए मैंने चार्ट पेपर करता। इसका ट्रेंड एक बार देख लेता है, निफ्टी का ट्रेंड अभी भी अपसाइड में ही दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, चार्ट का सेटअप से अभी अभी लेवल देखना पड़ेगा, अभी भी हो सकता है इस अप ट्रेंड के ऊपर ही बाई लेवल आ गया। सोच लीजिए इतना तक अप ट्रेंड है, तो हम लोग को इसमें से मूवमेंट मिल जाएगा, तो हम लोग इसमें ट्रेड कर लेंगे। तो अभी भी ये थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा रहा है, डाउन में आया था, फिर से इसका ट्रेंड अप में गया है। ठीक है, तो अभी भी अप ट्रेंड ही है, तो देखते हैं फिर से जरूरत है तो फिर से एक बार अपडेट कर लेते हैं। 9275 दिखा रहा है, 9275 आ गया है, 9275 दिखा रहा है, लेवल आ जाएगा 9275। और इधर बैंक निफ्टी कहाँ पर आ गया है, 20,753। ठीक है, उसको बैठा देता हूँ 20,753। इसके बाद फ्यूचर का भी एक बार लेवल देख लेता है। अरे यार, इसमें इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो क्या करेगा। और फ्यूचर का प्राइस कितना चल रहा है, फ्यूचर का प्राइस चल रहा है 9258, 9258।
मार्केट ऐसे ही घूम जाता है, हम लोग को नेक्स्ट लेवल देखना है। इसके लिए बॉदर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक निफ्टी 20,707 चल रहा है, 709 चल रहा है, 20,709, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका बाई प्राइस सेल प्राइस क्या दिखा रहा है। इधर पहले इसको एक बार देख लेते हैं, ये 226 और इधर नीचे कितना देखा, 9270 का नीचे ना, और इधर 9320932। तो देखिए इस लेवल पे हम लोग ले लेते हैं 93। आप लोग ध्यान से नोट कीजिए, 9302 के ऊपर बाई करेंगे बैंक निफ्टी को इंडेक्स का, और 20,847 और 9286 के ऊपर बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाई करेंगे, और 20,801 के ऊपर बैंक निफ्टी का बाई करेंगे फ्यूचर। टारगेट होगा 20,896 और इधर 9932, इधर 9317, ठीक है। और सेल करेंगे कौन सा लेवल पे, सेल करेंगे इसको 9261 के नीचे सेल करेंगे, और 9243 के नीचे सेल करेंगे, और इसको 20,706 के नीचे सेल करेंगे, 20,663 के नीचे सेल करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। इधर से आप लोग ये इसके इधर से आप लोग 9276 इधर इंडेक्स देख सकता है, ठीक है, और इधर फ्यूचर देख सकता है, इधर इसका देख सकता है फ्यूचर का, इसका मैंने छोटा कर देता हूँ। हाँ तो देखिए चलिए देखते हैं क्या लेवल आता है नहीं आता है। फ्यूचर का लेवल कब आने वाला है, इधर 9261 के नीचे, तो 9261 के नीचे ना 9243 का नीचे सेल का लेवल आएगा फ्यूचर का, और इंडेक्स का आएगा 9261 के नीचे, और इधर 20,706 का नीचे इसका सेल का लेवल आएगा, इधर 20,663 का नीचे इसका फ्यूचर का सेल का लेवल आएगा। देखते हैं इधर बैंक निफ्टी क्या दिखा रहा है, बैंक निफ्टी आ सकता है सेल का लेवल। अभी अभी नहीं आता है, मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेवल आ जाएगा तो आप लोग को दिखाऊंगा, फिर से आऊँगा आप लोग को फिर से एक बार देख ले दिखा देता हूँ। ये फ्यूचर का सेल का लेवल बैंक निफ्टी का 20,600, बैंक निफ्टी का सेल का लेवल 20,663, और निफ्टी का सेल का लेवल 9,243, ठीक है, 9,243, और बाई का लेवल है बैंक निफ्टी का 20,755, ठीक है, और बाई का लेवल है फ्यूचर का 9,272, ठीक है दोस्तों। इधर फ्यूचर का लेवल 9,272, हाँ 9,272 आ गया है, आप लोग देख सकता है 9,272 इसका मतलब निफ्टी का फ्यूचर का बाई का लेवल, फ्यूचर बाई का लेवल आ गया है, ठीक है। देखते हैं कितना दूर जाता है 9,272 के ऊपर, 9,286 तक आ सकता है, उसके बाद 9,317 तक आ सकता है, और बैंक निफ्टी 20,755 के ऊपर बाई का लेवल है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए मेरे को पॉज करना पड़ेगा, नहीं तो लंबा हो जाएगा। और इसका देखिए इंडेक्स का भी लेवल आ जाएगा 9289 के ऊपर, इंडेक्स का लेवल है ये, इसके बाद 9302 9332 तक जा सकता है, ठीक है, और इसका 20,800 के ऊपर जाएगा,
तो देखिए इधर 89 के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, 87 86 चल रहा है। थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ इसका, आप लोग लेवल देखिए। नमस्कार दोस्तों, देखिए 75 76 तक आया है, 77, और इसका भी 89 के ऊपर बाई का लेवल था इंडेक्स का, वो भी देखना पड़ेगा 89 के ऊपर। अभी 94 95 चल रहा है, 83 हो गया इसका फर्स्ट टारगेट, ऑलमोस्ट आ गया है 86 फर्स्ट टारगेट है 83 फ्यूचर का। और बैंक निफ्टी का भी लेवल आ गया है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का 795 के ऊपर इसका लेवल था, इसका भी लेवल आ चुका है। ठीक है, इसका नेक्स्ट टारगेट है, बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट है 801 तक इसका लेवल है, और इसका तो फ्यूचर का 86 ऑलमोस्ट 83 हो गया था। ठीक है, इसका 9302, तो देखता है। और उधर 9302 और इधर 9286 और इधर 801। ठीक है, 795 के ऊपर चढ़ा था। ठीक है, थोड़ा सा पुल बैक भी अभी दे रहा है, तो देखते हैं। मैंने शायद नोटिस नहीं किया, इसका चढ़ गया था लगता है। इसका कैंडल एक बार देख लेता है, गया था 767 तक, गया था 757। ठीक है, देखते हैं। थोड़ा सा पुल बैक हो रहा है, मैंने थोड़ा सा फिर से पॉज कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो फिर से हाजिर हूँ। देखिए बैंक निफ्टी 837 840 चल रहा है, कहीं पर लेवल था 20,795। ठीक है, 20,795 का लेवल था, 20,795 का लेवल था। अभी 801 896 तक जा सकता है, लेकिन मैंने अभी नहीं बोलूँगा कि 96 तक जाएगा, मैंने उसको फिर से इसका बैठाना पड़ेगा। लेकिन फर्स्ट टारगेट आप लोग को 863 तक ऊपर गया था फ्यूचर, और ये अभी तक आप लोग देख सकता है 9297 9291 तक चल रहा है। ठीक है, तो मैंने फिर से कैलकुलेट करके आप लोग, और इधर देखिए फर्स्ट टारगेट लग गया है 93, ये इंडेक्स का 9301 इसका फर्स्ट टारगेट था। ठीक है, 9301 इसका फर्स्ट टारगेट था, ये 9308 9289 9302 लग गया है, ये अभी तक 9304 में ट्रेड कर रहा है। तो मैंने आप लोग को फिर से इसका डाटा बैठाना पड़ेगा, फिर से आप लोग को लेवल दूंगा। तो कैसा लग रहा है दोस्तों आप लोग को, वो थोड़ा सा मेरे को जाने का इरादा रहता है मेरा। तो आप लोग फीडबैक देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और नहीं देंगे तो क्या करेगा, वो आप लोग का मर्जी है। 9290 इतना शानदार लेवल आप लोग को हर रोज दिखाता हूँ, तो आप लोग कुछ फीडबैक ठीक से नहीं मिलता है। ठीक है, क्या करता है, मेरा काम है, आप लोग को दिखा जाऊँगा। बैंक निफ्टी चल रहा है 20,865, बैंक निफ्टी चल रहा है 20,000, फ्यूचर 20,865। मैंने आप लोग के सामने ही करता हूँ, कुछ कुछ नेगेटिव फीडबैक भी आता है, कुछ फर्ट चीटर करता है, तो ठीक है ऐसे चलता है, ये पार्ट ऑफ द। मेरा कुछ सीक्रेट कुछ नहीं है, आप लोग के सामने कैलकुलेट करके आप लोग को लेवल दिखाता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह भी नहीं है। इसका नेक्स्ट लेवल भी आ गया 925, बाप रे बाप, ये तो बहुत ही ऊपर चल रहा है। ये भी 9320 चल रहा है, ये 945 हो गया, इसका मतलब 896, नेक्स्ट टारगेट जो था 896 वो भी क्रॉस हो गया है।
तो मेरे को इसका हिसाब से थोड़ा सा चलना पड़ेगा, कैलकुलेट करके लेना है। 20,901, अरे यार 20,901 चल रहा है, ये चल रहा है, 9,305 ये चल रहा है, 9,305 ठीक है। और इसमें इंडेक्स का 9,313, 9,000 ओहो ये इधर से आ गया, 9,315, और इधर मैग्निफ्टी देखना पड़ेगा, मैग्निफ्टी देखना पड़ेगा, मैग्निफ्टी देखना पड़ेगा, मैग्निफ्टी तेरी की यार, नेट मेरे को बहुत ही ट्रैवल देता है दोस्तों। मैंने बोला था कि निफ्टी इसका अप ट्रेंड में ही है, मतलब मार्केट अप ट्रेंड में ही है, वापिस जाने का प्रॉबिलिटी है, इसका पहले ही पता था इसका, मतलब मैंने बाय सेल लेवल देख के ही मेरे को पता चलता है कि ये अप ट्रेंड होगा कि डाउन ट्रेंड। चार्ट का सेटअप देखने से पहले ही बाई ट्रेंड बाई सेल लेवल देखने से ही पता चलता है, क्योंकि जो बाई का लेवल का आसपास रहता है तो मतलब ये बाई का अप ट्रेंड में जाएगा ऐसा लगता है। उसके बाद चार्ट में भी ऐसा रिफ्लेक्शन होता है। चौकट हो गया, ठीक है दोस्तों मेरा नेट को आने दीजिए, मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैंने अब देखिए मैं उस टाइम जो लेवल था 9,302, उसके बाद मतलब निफ्टी इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, उसके बाद 9,332 का लेवल था, तो उस वो लेवल ब्रेक हो चुका है, 9,335 हो गया है, तो देखते हैं फ्रेश लेवल क्या बना है। मैंने फ्रेशली अपडेट कर लिया, तो फ्रेश लेवल क्या बनता है एक बार देख लेता है, उसका उस हिसाब से काम करेंगे। तो 9,350 के 49 के ऊपर बाई होगा इंडेक्स, और 20,800 के ऊपर बाई होगा इन बैंक निफ्टी का इंडेक्स, और फ्यूचर बाई होगा 9,345 के ऊपर, और इधर बाई होगा 20,997 के ऊपर बैंक निफ्टी का इंडेक्स। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। इधर बैंक निफ्टी 9,345 के ऊपर इसका बाई होगा, ठीक है 9,345 के ऊपर इसका बाई होगा, और इधर बाई होगा 9,020,000 कितना देखा, 20,997 के ऊपर फ्यूचर बाई होगा, तो फ्यूचर को कोई ध्यान देता है, फीचर का ऑब्जर्व करता है। इधर से इंडेक्स को भी आप लोग देख सकते हैं, इंडेक्स का लेवल है 20,849, सॉरी 20,800, और सॉरी इंडेक्स का लेवल है 9,349 इंडेक्स का लेवल है, इंडेक्स भी इधर से हम लोग देख सकते हैं। तो इधर देखते हैं, इधर 20,997 और 9,300 कितना, 9,345 शायद, 9,345 इसके ऊपर जाएगा, 9,359, 9,390, और फीचर्स का इसका 20,997 के ऊपर जाएगा तो 21,043 जाएगा, 21,141 जाएगा। और जो लोग सोच लीजिए पेयर ट्रेडिंग करेंगे, तो अभी यार क्या करेंगे, हाई हाई बाज गया है, लेकिन इधर से मेरा जो फाइल है इसमें आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसका फाइल अपडेट कर लिया है, तो इधर एसीसी अंबुजा इसका
आईसीसी और मुझे में थोड़ा सा कम गया है इसका, तो मैंने 90% के ऊपर जो है सोच लीजिए, मैंने टाटा स्टील का देखता है उधर, अच्छा देखता है, या सन टीवी मारुति को भी आप लोग देख सकता है, सन टीवी मारुति कितना पैसा आ रहा है, कौन सा पे इसका ऊपर है, अभी कुछ कम नहीं होगा क्योंकि ये अभी कुछ फायदा नहीं होगा, तो इसमें मारुति को बाई करना है, ठीक है, मारुति को बाई करना है, सांटिवी को सेल करना है, तो देखिए आप लोग मारुति को बाई किया 5371 में, 74 में, 71 में शायद, सोच लीजिए, और सैनटिवी को सेल किया 375.30 में, देखिए आप लोग को क्या होता है, इधर निफ्टी बाई निफ्टी क्या हो रहा है, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, मैंने थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों, देखिए मैंने तो आप लोग को मैं देखा दिया दोनों टारगेट बाई का अपसाइड में निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो इधर 9350 फिर से लेवल आएगा, 9349 में निफ्टी का फिर इंडेक्स, और 9345 आप लोग नोट करके रख सकते हैं, 9345 के ऊपर फिर से बाई का लेवल आएगा, ये 20997 के ऊपर बाई का लेवल आएगा, 20800 के ऊपर बाई का लेवल आएगा, और सेल का लेवल देखने के लिए थोड़ा सा रिवर्सल थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा, 9280 का नीचे सेल का लेवल पकड़ सकता है, लेकिन मैंने इधर से ही देखूँगा सेल का लेवल आप लोग को जो दूंगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, इसका रिवर्सल होना चाहिए, तो मैच कर ले जाएगा, लेकिन इसका लेवल दिखा रहा है 9000, ठीक है, तो 45 डिग्री मैंने पकड़ लेता हूँ, 45 डिग्री को ही पकड़ लेता हूँ, आप लोग भी इसको ट्रेनिंग ले लीजिए, आप लोग को भी पता चल जाएगा कहाँ पर क्या हो सकता है, 9280 और 9275 के नीचे फ्यूचर सेल होगा, और 20765 के नीचे इसका सेल का लेवल आएगा बैंक निफ्टी का, ठीक है, और निफ्टी का 9275 में फ्यूचर का सेल का लेवल आएगा, और बाई का लेवल तो आप लोग को दिखा दिया, और आप लोग ट्रेनिंग के बारे में आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए, इसमें चार्ट का सेटअप जो दिखता है, और ये जो बाई सेल का लेवल दिखता है, आप लोग को भी बहुत ही अच्छी तरह से इतना कम प्राइस में आप लोग को गारंटी देता हूँ, कहीं पर नहीं मिलेगा आप लोग को, और आप लोग हाई प्राइस में आप लोग लेंगे भी तब भी आप लोग को इतना सारा चीज़ आप लोग को नहीं मिलेगा, ये देखिए 20000, सॉरी ना, इसका 20000 बैंक निफ्टी का तो शायद लेवल आ गया है, ये 9275 के नीचे सेल का लेवल आएगा, बैंक निफ्टी का देखता हूँ, शायद आ गया है 20765 का लेवल पे, 20765 का लेवल पे आ गया है, ठीक है, 20765 का लेवल पे ये इसका आ गया है, ये 668 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है दोस्तों, अभी वीडियो यही ख़त्म करता है।